प्राची गिर गई जमीन पर और मर गया प्राची के पेट में बच्चा। जे हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रणबीर प्राची को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए छत पर लेकर जाएगा और प्राची उल्टा ही रणबीर को सुनाएगी और कहेगी कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, बस प्यार करने का दिखावा किया था। तुमने प्यार सिर्फ रिया से किया था, वो तो मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी। जिसे सुनकर रणबीर रोते हुए इमोशनल होकर कहेगा, नहीं प्राची ऐसा मत बोलो, जितना तुमने सहा है उतना मैंने भी सहा है। मैं हर दिन उस दिन को याद करके रोता था जिस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया और हम अलग हो गए। तब यह सुनकर प्राची कहेगी, रहने भी दो, तुमसे ज्यादा गुस्सा मैं हूँ। तब यह सुनकर रणबीर कहेगा, अच्छा ऐसी बात है, वैसे देखे तो मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि जो तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई है। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्राची रणबीर के सामने देखेगी और रणबीर प्राची के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहेगा, हाँ प्राची तुमने सही समझा। तब प्राची कहेगी, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब रणबीर कहेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो तुम समझ रही हो और मुझे सब पता है कि वी आर प्रेग्नेंट। यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे और जब रणबीर प्राची के पैरों में गिरकर एक बार नहीं बल्कि बार बार और हजार बार अपने किए की माफी मांगेगा और कहेगा कि क्या तुम मुझे एक बाप होने के लायक नहीं समझती? क्या मेरे होने वाले बच्चे की खुशियों के लायक मैं नहीं हूँ? तब यह सुनकर प्राची कुछ भी बोले बिना रणबीर के सामने जमीन पर बैठ जाएगी। लेकिन जब रणबीर प्राची दोनों एक साथ खड़े होंगे और प्राची जब रणबीर को अपनाने के लिए जा ही रहे होगी, तभी प्राची रणबीर को अचानक से अपने से दूर कर देगी और रणबीर को माफ नहीं करेगी और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए रणबीर का प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जब रणबीर कहेगा क्या हुआ, तब प्राची कहेगी, तुम किसी के लायक हो ही नहीं, अगर तुम्हें मुझे अपनाना होता और अभी तुम्हें मेरे साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है तो तुम सबसे पहले जाकर उस रिया से तलाक लेते, ना कि यहाँ मेरे पास आते। तब यह सुनकर जब रणबीर प्राची को रोकते हुए कहेगा, प्राची रुको मेरी बात तो सुनो, तभी प्राची रणबीर को गुस्से से धक्का मारते हुए कहेगी, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जब प्राची जा रही होगी तभी प्राची के पैर में अचानक से मोच आ जाएगी और प्राची अपने पेट के बल जमीन पर जोर से गिर जाएगी और प्राची को अपने पेट में बच्चे के मरने का एहसास होगा, जिस वजह से तभी प्राची जोर से चिल्लाएगी, मेरा बच्चा, और पीछे से रणबीर जोर से चिल्लाएगा, प्राची। जिसके बाद जब प्राची के पेट में अचानक से बच्चा मर जाने की वजह से प्राची के मुंह से खून निकलने लगेगा और रणबीर प्राची को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा और डॉक्टर को कहेगा कि प्राची का चेकअप कीजिए। तभी रणबीर, विक्रम, पल्लवी और रिया वहाँ हॉस्पिटल के बाहर अचानक से प्राची को क्या हुआ है ये देखने के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होंगे। लेकिन जब डॉक्टर आएगी और रणबीर को कहेगी कि आई एम सॉरी, प्राची के पेट में अब बच्चा जिंदा नहीं रहा, तभी यह सुनकर रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लेकिन प्राची को उसके किए की सजा भुगतने के लिए प्राची के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और प्राची के पेट में रणबीर के बच्चे की मौत हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्राची या रणबीर? और रणबीर को ऐसी प्राची को उसकी हालत में छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और अब प्राची रणबीर के बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी तो आपको कैसा लगेगा? ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।